हमारे देश में जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने देश का इतना नुकसान किया। पहले चीज़ें बाहर से आती थी तो कहते देखिए देश को बेच रहे हैं, सब बाहर से लाते हैं। आज जब देश में बन रहा है तो ये लोग कहते हैं देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और आप लोग अपने देश की बातें करते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि देश को इस प्रकार से गुमराह करने वाले इन एलिमेंट्स से देश को कैसे बचाया जाए। दूसरी बात है, अगर अमेरिका में कोई कहता है बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, उसको तो हम सीना तान करके गर्व करते हैं, लेकिन मोदी कहता है वोकल फॉर लोकल तो लोगों को लगता है देखिए ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने वाली की प्रवृत्ति चलती है। जहाँ तक भारत जैसा देश जिसके पास मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, अब मैं ऐसी तो गलती नहीं कर सकता कि मैं गेहूं एक्सपोर्ट करूं और ब्रेड इंपोर्ट करूं। मैं तो चाहूंगा मेरे देश में ही गेहूं का आटा निकले, मेरे देश में ही गेहूं का ब्रेड बने, मेरे देश के लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरा आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसके पीछे पहला मेरी जो प्रायोरिटी है मेरे देश के टैलेंट को अवसर मिले, मेरे देश के युवा को रोज़गार मिले, मेरे देश का धन बाहर न जाए, मेरे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यू एडिशन हो, मेरे देश के अंदर किसान जो काम करता है उसकी जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू एडिशन हो, वो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करे। और इसलिए मैंने विदेश विभाग को भी कहा है कि भाई आपकी सफलता को मैं तीन आधारों से देखूँगा। एक, भारत से कितना सामान आप जिस देश में हैं वहाँ पर खरीदा जाता है। दूसरा, उस देश में बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है जो अभी तक भारत में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी भारत में कैसे आ सकती है। और तीसरा, उस देश में से कितने टूरिस्ट भारत भेजते हो आप, ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा। तो मैं हर चीज़ में सेंटर में मेरा नेशन, सेंटर में मेरा भारत और नेशन फर्स्ट, इस मिजाज से ही हम काम करते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।